कच्चे हरे मटर और गेहूं के आटे की इस रेसिपी को अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया ना, तो यकीन मानिए आप समोसे कचौरी सब भूल जाएंगे। किसी भी स्पेशल डे पार्टी फंक्शन में इस तरीके से आप पहले से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, खस्तर, स्वादिष्ट बनते हैं। तो वीडियो तो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, और ये वही आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरा आटा पैकेट का ही है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पहले से बेसन मिक्स किया हुआ है, तो हल्का सा आपको येलो दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2 कप से थोड़ा सा कम मैंने गेहूं का आटा लिया है। आटे से ही बनाएंगे आज, बस और कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा अजवाइन पिसी हुई, थोड़ा सा नमक हल्का सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद मोइन के लिए डाल देंगे यहाँ पर कम से कम 2 चम्मच मतलब रिफाइंड ऑयल या घी, बटर, जो भी आप डालना चाहते हैं। तो 2 से 3 चम्मच इसके अंदर जरूर डालें, तो हल्का सा क्रमली सा हो जाएगा, इससे काफी अच्छा क्रिस्पी और खस्ता बनता है। हल्का सा मैंने गुनगुना पानी लिया है, मतलब गर्म, तो ज्यादा सॉफ्ट नहीं, आज हल्का सा मतलब टाइट आटा तैयार करेंगे। तो मीडियम सॉफ्ट रखेंगे, जैसे थोड़ा सा टाइट रखना है, देखिए ऐसा कुछ देर रख देंगे। हल्का सा ऑयल लगाकर ऐसे ऊपर से थोड़ा सा मिक्स करके सेट करके इसको, तो यहाँ पर 10-15 मिनट आटे को आप रख दे तो ये और अच्छे से मतलब सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इसको ढक कर रख देते हैं आटे को, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, उसके बाद जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद जीरा जैसे चटकने लगता है उसके बाद प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, और प्याज के साथ में ही हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और हल्का सा इसको पक के बाद थोड़े से तिल डाल देंगे, सफेद तिल का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद मटर डाल देंगे, मैंने मटर को 2 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर छोड़ दिया था, तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, मतलब बॉईल नहीं किया, हल्का सा ही काफी अच्छा सा कलर भी आ जाता है, और ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको पकाएंगे और ये थोड़ी सी पकेगी, उसी के साथ में मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, उसके बाद डाल देंगे थोड़ा मसाला मतलब मिर्च वगैरह, तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मसाला, और इसके बाद आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी मसाले वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम स्टफिंग इसी तरीके की बनाएंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पकाने के बाद इसको अच्छे से टेस्ट कर देंगे हल्का सा मटर को, तो ये वैसे तो सॉफ्ट ही है, बस हल्की से दबाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से मतलब ये ऐसे तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जैसे थोड़ी पक जाती है, और ये थोड़ी सी देखिए मैश भी हो गई। अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया, तो हरा धनिया ऐसे डालने के बाद अब गैस की फ्लेम को बस बंद कर देंगे और इसको मिक्स करके ऐसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। तो ये हमारी आज मटर की स्टफिंग तैयार है। अब इसके बाद साइड में रख देते हैं इसको। अब आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो आटे को थोड़ा सा हाथ से गूंथ कर ऐसे सेट कर लेंगे। 10 से 15 मिनट मैंने आटे को छोड़ दिया था, ऐसे पेड़े तैयार कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर मतलब ज्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे इसको। तो यहाँ पर रोटी की तरह पहले इसको बेल लेते हैं, तब राउंड में नहीं थोड़ा सा लंबा मतलब इसको बेलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमने बेल लिया, पतला ही रखेंगे, हल्का सा साइड में ऊपर की तरफ पानी लगाएंगे थोड़ी जगह छोड़कर ऐसे ऊपर की तरफ। तो हल्का पानी लगाने के बाद यहाँ पर तिल लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर ये तिल अच्छे से मतलब चिपक जाते हैं, और इससे काफी क्रिस्पी और अच्छा स्नैक्स बनता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे सफेद तिल लगाने से। आप चाहे तो यहाँ पर काले तिल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पलट लेना है ऐसे, और ये ऊपर की तरफ रखा है जो हमने तिल लगाया था, स्टफिंग कर रहे हैं उस साइड में हमने तिल नहीं लगाए, और ऐसे मटर की स्टफिंग करेंगे जो हमने तैयार की थी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी साइड में जगह छोड़कर, और ये देखिए मेरे पास है पैन के कैप, आप चाहे तो ऐसे बड़े या छोटे या फिर रील के धागे का ऐसे खाली भी ले सकते हैं, तो रोल ऐसे हमने चाहिए। तो थोड़ा सा इसको ऐसे हम मतलब कट करके ऐसे डिजाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर इससे बनाएंगे इसको, मैंने साफ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद ऐसे यहाँ पर राउंड में ऐसे कट करेंगे, तो ये बहुत ही यूनिक और अच्छा सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है बिल्कुल आसानी से, कोई झंझट भी नहीं है बनाने में, एकदम आसान। अब इनको निकाल लेते हैं जो बीच में हमने पीसी जैसे कट किए थे, देखिए राउंड में कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद साइड में ऐसे पानी लगाएंगे और इसको हम ऐसे दबाकर सेट कर देंगे पहले, तो पहले थोड़ा सा इसको दबाकर अच्छे से सेट कर दे ताकि स्टफिंग निकले नहीं, और किनारे की तरफ भी आप हल्का सा पानी लगा दे पहले, और उसके बाद ऐसे रोल करेंगे और एक साइड से उठाकर ऐसे दबाकर सेट कर देंगे, और ये बिल्कुल अच्छे से फटाफट से ऐसे सेट हो जाता है और चिपक भी जाता है। और थोड़ा फोक की मदद से ऐसे किनारे की तरफ दबाकर सेट कर देंगे ताकि निकले नहीं, और बहुत ही देखिए अच्छा सा मतलब बन जाता है, देखिए तो है ना एकदम अलग और डिफरेंट, और इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसके बाद एक और दिखा देती हूँ बनाना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आसान सा तरीका, ऐसे करेंगे बीच में फिर उसके उसमें। तो यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज में भी आप बना सकते हैं, मतलब छोटे या बड़े साइज में जैसे हल्के से। तो यहाँ पर राउंड में जितना भी साइज आपको बनाना हो, और ऐसे दबाकर स्टफिंग की तरफ पहले इसको सेट करेंगे, तो ये एकदम बहुत ही यूनिक और एकदम नए तरीके का टी टाइम स्नैक्स तैयार हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है इस तरीके से आप बनाएंगे तो। क्योंकि ये जाली से जो हमने बनाई है, तो अंदर तक ये जब पकता है ना,
तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप बना सकते हैं, या बेक कर सकते हैं या फिर इसको फ्राई कर सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग वाली चीज़ों में क्या होता है, थोड़ा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और फ्राई करते हैं तो उसको ऐसे ही हम बना लेते हैं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर सोडा की जरूरत नहीं है। और ये देखिए हमने तैयार कर लिए, बहुत ही अच्छे से मतलब फटाफट देखिए तैयार हो जाता है। तो आप ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पहले से बनाकर ऐसे रख भी सकते हैं, मतलब 2-3 घंटे पहले या ज़्यादा देर पहले भी आप बनाकर ऐसे सेट करके रख ले तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। स्टफिंग भी हमने ऐसी की है, बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। फिर इसको फ्राई करें। और यहाँ पर हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया। और ये देखिए सभी को हमने तैयार कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा मतलब डिजाइन लग रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसको फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, और बीच बीच में आप तेज़ कर सकते हैं। तो जितना आप इसको धीरे फ्राई करेंगे लो टू मीडियम पर, उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर बस इस चीज़ का ही आपको ध्यान देना है फ्राई करते वक्त, एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, वरना फिर कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे इसको फ्राई करेंगे उतना हल्का हल्का कलर चेंज होता चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा सा मतलब कलर आ गया, काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा दिख रहा है। बस हल्का सा और पका लेते हैं फिर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको एक छलनी में हम पहले निकाल लेते हैं ताकि इसका तेल पूरा अच्छे से निकल जाए। देखने से आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं, तो बाद में मैं तोड़कर बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और रियली बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनकर तैयार होता है, एकदम गेहूं के आटे से भी आपने सोचा नहीं होगा इतना अच्छा बनता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ज़्यादा ऑयली वगैरह भी बिल्कुल नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और बाकी बचे हुए उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए सभी को हमने फ्राई कर लिया, अभी तो एकदम गर्म है, हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ तोड़कर कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। और जो ये तिल लगाए ना इसके ऊपर, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है। ऐसे कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर अभी सर्दी का मौसम है तो आप ऐसे तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं, तो यहाँ पर तोड़ने से ही आपको पता चल जाएगा। और भी मैं थोड़ा सा तोड़कर दिखा देती हूँ, तो आप ट्राई जरूर करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसी तरह की और नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।